ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो अटैक ऑन टाइटन के ऊपर है, जहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ताकतवर नौ टाइटन्स के बारे में। और हाँ, मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मैं यहां पे नौ टाइटन्स को रैंक कर रहा हूं, ना कि उनके टाइटन शिफ्टर्स को। टाइटन्स को रैंक करना और टाइटन शिफ्टर्स को रैंक करना अलग अलग है। मैं इस पे फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊंगा कि सबसे ताकतवर टाइटन शिफ्टर्स कौन है, लेकिन आज की इस वीडियो में बस हम टाइटन्स के बारे में बात करने वाले हैं। मार्लियन के इतिहास के मुताबिक हमें ये पता है कि सबसे पहली टाइटन यमीर फ्रेट्स थी, और उसके मरने के बाद उसकी ताकत नौ टाइटन्स में बढ़ गई। और आज हम उन्हीं नौ टाइटन्स को रैंक करने वाले हैं उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर। और हाँ गाइस, ये लिस्ट पूरी तरह से मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, तो हाँ अगर आपका ओपिनियन कुछ और है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 9, कार्ड टाइटन। कार्ड टाइटन में सबसे पहली बार देखने को मिला था सीजन 3 में। इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, इसके पास है इमेंस एंड्योरेंस। कार्ड टाइटन की एंड्योरेंस बाकी टाइटन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसका इनहेरिटर इसकी बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, और इसके टाइटन फॉर्म को काफ़ी देर तक मेंटेन किया जा सकता है। जैसे कि पीक ने खुद कहा था, कार्ड टाइटन की पावर के कारण वो 100 ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म कर पाई थी। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी है स्पीड। कार्ड टाइटन यहाँ पे जॉ टाइटन के बाद सबसे फास्ट है। ये चीज हमने तब देखी थी जब सीजन 3 के फाइनल फाइट में जीक, राइनर और बैटल हार चुके थे, तब पीक ने कार्ड टाइटन की हेल्प से जीक एंड राइनर को बचा लिया था, ऑल्सो कैचिंग लीवाई एंड हांजी ऑफ गार्ड। लेकिन इन सब के बावजूद कार्ड टाइटन सारे नौ टाइटन्स में सबसे कमजोर है, क्योंकि ये बैटल्स के लिए नहीं बना। कार्ड टाइटन को बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है काफी दूर सफर करने के लिए, फिर सामान कैरी करने के लिए। लेकिन अगर इस टाइटन को वेपन्स दे दिए जाए तो ये काफी ताकतवर साबित हो सकता है। इसकी वीकनेस की बात करें तो बाकी टाइटन्स के मुकाबले इसका डिफेंस काफी कम है, इसे एक सीवियर ब्लो से नॉकआउट किया जा सकता है। और तो इसकी रिजेनरेटिव पावर्स भी यहाँ पे बाकी टाइटन्स के मुकाबले उतनी ज्यादा नहीं है। नंबर 8, जॉ टाइटन। जॉ टाइटन को हमने सबसे पहली बार देखा था सीजन 2 के एपिसोड 4 के एकदम एंड में, जब यमीर सबको बचाने के लिए जॉ टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास है क्रशिंग स्ट्रेंथ। बाकी टाइटन्स के मुकाबले जॉ टाइटन के नाखून और दांत काफी पहने हैं, इसी कारण इसके क्लॉज एंड जॉज में इमेंस बाइटिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ है, जिसे डेवेस्टेटिंग एफिशिएंसी के साथ यूज किया जा सकता है टाइटन्स और मैनमेड स्ट्रक्चर्स दोनों के अगेंस्ट। इसे क्लॉज एंड जॉज में इतनी ताकत है कि आर्मर्ड ओपोनेंट्स को भी काफी ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। एनिमे के अंदर भी हमने ये देखा है कि इसकी जॉज में इतनी ताकत थी कि इसने लारा क्रिस्टल तक तोड़ दिया था। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी है स्पीड एंड एजिलिटी। जॉ टाइटन सारे नॉट टाइटन्स में सबसे ज्यादा फास्ट है, इसलिए अगर कभी इसका सामना किसी और टाइटन से होता है तो इसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बाकी किसी भी टाइटन के मुकाबले जॉ टाइटन काफी तेजी से मूव कर सकता है। इसकी वीकनेस के बारे में बात करें तो इसकी वीकनेस है इसका छोटा साइज, क्योंकि यहाँ पे जॉ टाइटन सारे नॉट टाइटन्स में सबसे छोटा है, इसलिए ज्यादा अटैक्स नहीं सह सकता। नंबर 7, फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन हमें सबसे पहली बार देखने को मिली थी सीजन 1 के एपिसोड 16 के बिल्कुल एंड में। इसके एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, इसके पास है वर्सेटिलिटी। फीमेल टाइटन अपनी हाई एंड्योरेंस एंड मोबिलिटी के कारण जानी जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले सकते हैं एनी लियोनहार्ट को। 57 स्काउटिंग मिशन आउटसाइड द वॉल्स में एरन को कैप्चर करने के लिए एनी फीमेल टाइटन के फॉर्म में काफी देर तक भागी थी, और उस दौरान एनी ने यहाँ पे आधे से ज्यादा स्काउट्स को मार दिया था। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी है टाइटन अट्रैक्शन। फाउंडिंग टाइटन की तरह एंड जीक के बीस टाइटन की तरह फीमेल टाइटन के पास भी यहाँ पे ये पावर है कि वो प्योर टाइटन्स के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल बना सकती है एक्सट्रीम बेस्ड एबिलिटी के जरिए। जितने भी टाइटन्स वहाँ पे मौजूद होंगे वो सारे यहाँ पे फीमेल टाइटन को आके खाने लगेंगे। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी है हार्डनिंग। हार्डनिंग को एक तरह से ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए यूज कर सकती है। हार्डनिंग एबिलिटी में इसकी स्किन डायमंड की जितनी हार्ड हो जाती है, जिसके कारण स्काउट्स के ब्लेड्स इसे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। नंबर 6, अटैक टाइटन। अटैक टाइटन को हमने सबसे पहली बार सीजन 1 के एपिसोड 7 के अंत में देखा था। अटैक टाइटन पूरा अटैक ऑन टाइटन का मेन प्रोटैगनिस्ट है। अगर इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास भी कई सारी एबिलिटीज है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, हार्डनिंग और भी कई सारी एबिलिटीज, जो कि इसे बैटल में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन अगर हम इसकी सबसे बेस्ट एबिलिटी के बारे में बात करें तो वह फ्यूचर देखना। बाकी किसी भी हम टाइटन में देखें तो जब कोई इंसान किसी टाइटन की पावर को इनहेरिट करता है तो उससे पहले जितने लोगों ने यहाँ पे उस टाइटन की पावर को इनहेरिट किया उसे उन सारे लोगों की मेमोरी मिल जाती है। लेकिन अटैक टाइटन के केस में ऐसा नहीं है। इसमें अगर कोई इंसान अटैक टाइटन की पावर्स को इनहेरिट करता है तो उसे पास्ट के इनहेरिटर्स की तो मेमोरी मिली जाती है, साथ ही साथ उसे आने वाले इनहेरिटर्स की भी मेमोरी मिल जाती है। जिस तरह से यहाँ पे एरन क्रूगर को ग्रिशा येगर की मेमोरीज मिली थी एंड ग्रिशा को एरन की मेमोरीज। हालांकि ये एबिलिटी बैटल में हेल्प नहीं कर सकती, बट स्टिल यहाँ पे अटैक टाइटन के पास काफी सारी ऐसी एबिलिटीज हैं जिससे यहाँ पे वो बैटल में लगभग किसी को भी हरा सकता है। जैसे कि इसने रेज मोड में आके फीमेल टाइटन को काफी इजिली हरा दिया था, और आर्मर टाइटन के साथ भी फर्स्ट इनकाउंटर में वो उसे वर्ज ऑफ डिफीट पे ले आया था। नंबर 5, आर्मर टाइटन। अब आर्मर टाइटन यहाँ पे अटैक टाइटन से ऊपर इसलिए है क्योंकि ओवरऑल अगर हम एक वन ऑन वन फाइट कराएं दोनों में विदाउट यूजर्स तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आर्मर टाइटन जीत जाएगा। एरन यहाँ पे रानर के आर्मर टाइटन को फर्स्ट इनकाउंटर में वर्ज ऑफ डिफीट पे इसलिए ले आया था क्योंकि यहाँ पे उसने दिमाग से काम लिया था, जबकि रानर बस हेड ऑन अटैक्स करा था, और उस समय दोनों के मोटिव्स भी अलग थे। एरन यहाँ पे रानर को मारने के लिए लड़ रहा था, जबकि यहाँ पे रानर एरन को कैप्चर करने के लिए लड़ रहा था। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल यहाँ पे आर्मर टाइटन अटैक टाइटन से ज्यादा ताकतवर है बिकॉज ऑफ हिज आर्मर्ड स्किन।
आर्मर्ड स्किन के कारण इसके डिफेंसिव एबिलिटीज काफी ज्यादा हैं और अटैक टाइटन एंड फीमेल टाइटन की तरह इसके पास भी हार्डनिंग एबिलिटीज हैं। इसकी वीकनेस के बारे में बात की जाए तो इसकी वीकनेस यहाँ पे ये है कि अपने आर्मर्ड स्किन के कारण ये ज्यादा तेज नहीं है, इसकी स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन बैटल में अगर इसका आर्मर डैमेज हो जाए और कहीं कहीं पर इसका आर्मर निकल जाए तो इसकी स्पीड बढ़ सकती है। और इसकी दूसरी वीकनेस ये है कि काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स लाइक हार्डनिंग पंच इसके आर्मर को तोड़ सकते हैं। नंबर 4, बीस्ट टाइटन। बीस्ट टाइटन को हमने सबसे पहली बार सीजन 2 के एपिसोड 2 में देखा था। अब काफी लोगों का कहना होगा कि आर्मर टाइटन को यहाँ पे बीस्ट टाइटन के भी ऊपर होना चाहिए, बट गाइज मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि मानता हूँ यहाँ पे जीक एगर के कारण बीस्ट टाइटन को ये पावर मिली है कि वो नॉर्मल टाइटन से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जीक के पास रॉयल ब्लड है। बट ओवरऑल एबिलिटीज में भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बीस्ट टाइटन आर्मर टाइटन से आगे है। ये बात हमने एनिमे में भी देखी किस तरह यहाँ पे जीक के बीस्ट टाइटन ने राइनर के आर्मर टाइटन को हरा दिया था बिना अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल किए। क्योंकि अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो जहाँ पे आर्मर टाइटन बीस्ट टाइटन से हारा हुआ था, वहाँ पे उस समय कोई भी नॉर्मल टाइटन मौजूद नहीं था। तो इस बात की काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि बीस्ट टाइटन ने यहाँ पे आर्मर टाइटन को बिना किसी नॉर्मल टाइटन के हेल्प के हराया था। इसकी ओवरऑल एबिलिटीज को देखें तो इसके पास है क्रशिंग फिस्ट स्ट्रेंथ, जिससे ये बड़े बड़े पत्थरों को भी चूर चूर कर सकता है। नेक्स्ट, पावरफुल एंड एक्यूरेट थ्रोइंग। वो उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों को काफ़ी हाई स्पीड से फेंक सकता है, इतना कि यहाँ पे किसी की बॉडी में छेद करके निकल सकते हैं। और इसके पास हार्डनिंग की भी एबिलिटी है, बिल्कुल फीमेल टाइटन, अटैक टाइटन और आर्मर टाइटन की तरह। नंबर 3, वॉरहैमर टाइटन। अगर किसी टाइटन की एबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है तो वो वॉरहैमर टाइटन ही है। इसके पास स्ट्रक्चरल हार्डनिंग की एबिलिटी है। वॉरहैमर टाइटन स्ट्रक्चर्स को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि हार्डन टाइटन फ्लैश से बनी होती है। इसी कारण ये काफी सारे पावरफुल वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि क्रॉस बो, नुकीले स्पाइक्स और इसका सिग्नेचर वेपन वॉरहैमर। सीजन 4 में एरन वर्सेस लारा के फाइट में अच्छे से देखा है कि किस तरह लारा ने वॉरहैमर टाइटन की मदद से एरन के अटैक टाइटन को काफी इजीली ओवरपावर कर दिया था, और एरन भी यहाँ पे वॉरहैमर टाइटन के नुकीले स्पाइक्स के कारण ही राइनर और गलियार्ड को अकेले हैंडल कर पाया था। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी है रिमोट ऑपरेशन। इसी कारण यहाँ पे इसे मारना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी नॉट टाइटन्स की तरह इसका ऑपरेटर यहाँ पे नेप के अंदर नहीं रहता। इसका ऑपरेटर और वॉरहैमर टाइटन दोनों ही अलग अलग जगह पे रहते हैं और दोनों एक फ्लैश केबल से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे से ऑपरेटर यहाँ पे वॉरहैमर टाइटन को कंट्रोल करता है, इसलिए वॉरहैमर टाइटन को हराना काफी मुश्किल है। नंबर 2, कोलोसल टाइटन। कोलोसल टाइटन मेरे हिसाब से सेकंड मोस्ट पावरफुल टाइटन है पूरे अटैक ऑन टाइटन सीरीज का, क्योंकि इसकी एबिलिटीज इनसेन है। इसके पास एक्सप्लोसिव ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी इंसान जो कि यहाँ पे कोलोसल टाइटन की पावर्स को इनहेरिट करता है, अगर वो यहाँ पे कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके पास ये पावर है कि कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने वक्त वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट अनलीश कर सकता है, जिस ब्लास्ट से बचना लगभग नामुमकिन है। उसके बाद इसके पास साइज का ही बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये सारे नॉन टाइटन्स में सेकंड बिगेस्ट टाइटन है, इसीलिए किसी भी टाइटन के लिए इसे एक हेड ऑन कॉम्बैट में हराना काफी मुश्किल है। इस चीज को सीजन 3 के फाइनल फाइट में हमने काफी अच्छे से देखा भी है, जहां पर अटैक टाइटन यहां पे कोलोसल टाइटन को रोकने की कोशिश करता है, पर कोलोसल टाइटन लिटरली एक लात में यहां पे अटैक टाइटन को हरा देता है। इसकी नेक्स्ट एबिलिटी है स्टीम एमिशन। कोलोसल टाइटन अपनी बॉडी से काफी तेज स्टीम एमिट कर सकता है, इतना कि यहाँ पे थंडर स्पीयर्स भी इसकी बॉडी को नहीं छू सकते। इस टीम के कांटेक्ट में अगर कोई आता है तो एक्सट्रीम हीट के कारण वो पूरी तरह से झुलस जाएगा। इसका एग्जांपल हम आर्मिन आर्लट को ले सकते हैं, अपनी बॉडी से निकल रही स्टीम को ये कंट्रोल भी कर सकता है। कोलोसल टाइटन की 2 वीकनेस भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए काफी स्लो है, और स्टीम एमिट करने वक्त ये अपने फ्लैश को बर्न करता है, जिसके कारण जब जब ये स्टीम एमिट करता है तब तक ये पतला होते जाता है। इसी कारण अंत में यहाँ पे जब ये बहुत ज्यादा पतला हो गया था, एरन काफी आसानी से कोलोसल टाइटन का गला काट देता है। बट हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोलोसल टाइटन मेरे हिसाब से सेकंड स्ट्रांगेस्ट है, और तो और इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। नंबर 1, फाउंडिंग टाइटन। फाउंडिंग टाइटन सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, सारे टाइटन्स की हार्डनिंग एबिलिटी को भी हटा सकता है, किसी भी प्योर टाइटन को 8 स्पेशल टाइटन में से किसी एक में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, रंबलिंग शुरू कर सकता है, और भी ऐसी कई सारी हाई लेवल की एबिलिटीज इसके पास हैं जो कि बाकी किसी भी टाइटन के पास नहीं है। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि फाउंडिंग टाइटन नंबर 1 पे क्यों है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे पूरे अटैक ऑन टाइटन सीरीज का सबसे ताकतवर टाइटन फाउंडिंग टाइटन ही है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड हाँ, आप अपनी लिस्ट भी कमेंट बताइए कि आपके हिसाब से सबसे ताकतवर नॉट टाइटन्स कौन से हैं, और इन सारे नॉट टाइटन्स में आपका फेवरेट टाइटन कौन सा है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।